जी देखो गाइस, खेल खेल में वेडा और स्ट्री टू की एडवांस बुकिंग की अपडेट निकल कर आ चुकी है। आप सब लोग शॉकिंग काफ़ी ज़्यादा हो गए इन सब की एडवांस बुकिंग देखकर, वो भी डे वन की। जी हाँ, सबसे पहले हम बात करें खेल खेल में। तो भाई लोग, आपको पता है कि जब से इस मूवी का ट्रेलर रिलीज हुआ तो है, तो इस मूवी के साथ कोई धक्का चल रहा है। मतलब इस मूवी को शोज़ भी नहीं कंप्लीट मिल रहे, इस मूवी को आप कह सकते हैं इतना ज़्यादा कुछ ऑडियंस भाव भी नहीं दे रही, क्योंकि इस मूवी के कुछ एक चीज़ें हैं जो ऑडियंस को अच्छी नहीं लगी। लेकिन भाई, इसके जो शोज़ हैं वो अभी तक कंप्लीट ओपन नहीं हुए। जी हाँ, अगर आप लोग ये सुनकर काफ़ी शॉकिंग हो जाए कि भाई इतनी कम ये बंदा है, इतना कम अक्षय कुमार इतना कम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर सकता है या फिर इतना कम डे वन पर ओपनिंग ले सकता है, तो भाई ये चीज़ आप बिल्कुल भी नहीं सोचना। अभी भी 2 दिन पड़े हैं मूवी को आने में, और काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं कि इस बंदे की फ़ैन बेस है। और अगर बात करें कि इसने डे वन पर कितना अपना एडवांस बुकिंग किया, भाई इस मूवी ने ऑलमोस्ट 1 करोड़ की एडवांस बुकिंग कर लिया, और तकरीबन 2000 ऑलमोस्ट इसके शोज़ ओपन हुए हैं। तो अगर भाई बात कर ले स्ट्री टू की, भाई आपको पता है कि जब से स्ट्री टू रिलीज़ हुई है, इस मूवी ने काफ़ी ज़्यादा छप्पड़ पार दिया है। काफ़ी ज़्यादा इस मूवी की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हमें अच्छी देखने को मिली है। लेकिन भाई स्ट्री टू जब से आने वाली है, तो इसकी ऑडियंस को देख कर काफ़ी ज़्यादा हाई बन गई, क्योंकि भाई इसमें एक और न्यू कॉन्सेप्ट है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो भाई स्ट्री टू का ऑलमोस्ट 300 से 400 करोड़ पिया, तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि इसका बजट होने वाला है मेरे ख्याल में, या फिर इतनी इसकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन होगी। तो भाई बात करें कि इस मूवी ने एडवांस बुकिंग कितनी की है, तो वही इसने ऑलमोस्ट 20 से 25 करोड़ की तो नहीं आप कह सकते, लेकिन तकरीबन 1 से 1.5 लाख रुपए की इसकी ने एडवांस बुकिंग कर ली, क्योंकि इसकी जो अपडेट्स हैं वो अभी तक इतनी क्लियर नहीं हुई। और इस मूवी ने ऑलमोस्ट 300 से 400 शोज़ ओपन कर लिए। जी हाँ, सबसे ज़्यादा ओपन जो शो हुए हैं वो स्ट्री टू के हुए हैं, और आगे इसके मज़ीद ओपन शो हो रहे हैं, क्योंकि अभी तक ये चीज़ें कन्फर्मेशन में नहीं आ रही। क्योंकि आपको पता है कि जो भी मूवी रिलीज़ होती है, तो पहले तो उसके शोज़ वगैरह को ओपन होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि आपको पता है कि 15 अगस्त को कितनी ज़्यादा ऑडियंस भीड़ होगी और कितनी मूवी रिलीज़ होने वाली है। अगर गाइस हम बात करें कि वेडा मूवी की, वेडा मूवी ने तकरीबन 20 से 25 लाख का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन या एडवांस बुकिंग कर लिया है, और इस मूवी के आगे मज़ीद और चांसेस आके ये मूवी आगे और मज़ीद एडवांस बुकिंग करेगी और काफ़ी ज़्यादा अच्छा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन परफॉर्म करेगी।